कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। इस बार करवा चौथ का त्योहार 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं श्री गणेश जी और चंद्रमा के साथ भगवान शिव, माता पार्वती व कार्तिकेय की पूजा करती है। करवा चौथ दो शब्दों से मिलकर बना है, करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी गणेश जी की प्रिय अतिथि चतुर्थी। आपने अक्सर देखा होगा कि करवा चौथ में पूजा के दौरान छलनी, सिंग, करवा और दीपक का इस्तेमाल होता है। विवाहित महिलाओं का सबसे खास त्योहार करवा चौथ होता है, जो कि हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। शादीशुदा महिलाएं करवा चौथ व्रत का बेसब्री से इंतजार करती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू होता है और शाम को चंद्रमा निकलने तक रखा जाता है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद महिलाएं अपने पति के हाथों से पानी पीकर ही व्रत तोड़ती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 31 अक्टूबर 2023 को रात्रि 9:30 बजे प्रारंभ होगी। चतुर्थी तिथि 1 नवंबर 2023 को रात्रि 9:19 पर समाप्त होगी। करवा चौथ का व्रत उदया तिथि से मान्य होता है, इसलिए इस साल करवा चौथ 1 नवंबर 2023 बुधवार को मनाया जाएगा। नाम आप सुबह से मेहंदी लगा रही हैं, महिलाएं अभी तक यहाँ पे आ चुकी हैं, और किस तरह का डिजाइन जो महिलाएं सबसे ज्यादा करवा चौथ में? मैक्सिमम सुबह से लेकर बहुत ज्यादा रश है, सब लोग आ रहे हैं मेहंदी लगा रहे, बल्कि जगह भी नहीं है यहाँ पे बैठे हुए, सारे लोग वेट कर रहे हैं मेहंदी लगाने के लिए और मैक्सिमम फुल हैंड ही लगा रहे हैं। हाँ जी, सबसे ज्यादा कौन सा डिजाइन जो महिलाएं पसंद करें? फुल हैंड अरेबिक ही वाला, बाकी गलिश तो बहुत कम लगा रहे। अगर बात करें करवा चौथ में जो फुल हैंड मेहंदी का ही ट्रेंड है? हाँ जी, फुल हैंड ही है, क्योंकि क्या नाम करवा चौथ ऐसे ना कि मैक्सिमम लेडीज को एक ही तो त्यौहार मिलता है त्यौहार तैयार होने का, और मैक्सिमम इसी टाइम पे तैयार हो जाता है। अगर बात करें तो सुबह से लेकर कितनी महिलाएं आपके पास? बहुत ज्यादा, वैसे काउंट नहीं कर सकते कि कितने आए हुए, मतलब बहुत ज्यादा, जब से लेकर बैठे तब से लेकर बहुत ज्यादा रश है, कंटिन्यू लगे हुए। वैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम है, और बाकी सुबह कल भी लगाया था, आज भी स्टॉल लगाया था। पहले आपने मेहंदी लगाई थी या कहीं आपने सीखी है? नहीं, फर्स्ट टाइम। पहला एक्सपीरियंस ही आपका मेहंदी? हाँ जी। रुमानी। कल करवा चौथ का त्योहार है, क्यों इसको मनाते हैं और क्या जो ये त्योहार हिमाचल का त्योहार है, क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले तो आप सबको नमस्कार। करवा चौथ की पहले तो सभी सुहागन स्त्रियों को ढेर ढेर शुभकामनाएं ममता की तरफ से और ममता इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। करवा चौथ पहले तो इसीलिए मनाया जाता है ताकि पति की लंबी आयु हो, दुर्गा मतलब। और पहले क्या होता था, ये सारे जो करवा चौथ है पहले पंजाब साइड या दूसरी साइड ज्यादा आता था, हिमाचल में ये ट्रेंड बहुत कम था, बट अभी करवा चौथ यहाँ पर भी धूमधाम से मनाया जाता है। तो सभी स्त्रियों को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं यही आशा करती हूँ कि सभी का परिवार, सभी के घर में खुशहाली आए और साथ साथ उनके पति की आयु लंबी हो। ये व्रत वैसे तो पति की लंबी आयु, दीर्घायु आयु के लिए रखा था, ऐसे ही उन्होंने पार्वती जी ने भी रखा था, शिव जी के लिए रखा था, और इस टाइम अभी सारी जितनी भी लेडीज हैं सभी रखती हैं इसको लंबी आयु के लिए पति की। ब्यूरो रिपोर्ट सूट।